सेवालाल महाराज की संत सेवालाल महाराज की संत सेवालाल महाराज की जय संत सेवालाल महाराज की जय संत सेवालाल महाराज की जय पूरे स्टेट में संत श्री सेवालाल महाराज जी का जयंती पूर्व मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर लक्ष्मण जी ने कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारे ट्राइबल सेल के लिए परमिशन दिया था या उनको उत्साहित दिया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मान्य अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी और इस महा शहर के अध्यक्ष MLC श्री रामचंद्र राव जी, सम्माननीय हमारे जनरल सेक्रेटरी श्यामा मूर्ति जी, चंद्रशेखर जी, हमारे MLA श्री प्रभाकर जी, श्री सेक्रेटरी राष्ट्रीय सेक्रेटरी अमर सिंह जी और इस सेल के अखाड़ी के अध्यक्ष श्री भिकू नायक जी, सभी मान्यवर पदाधिकारी, सभी भाई बहने, मैं आपके बीच में श्री संत सेवालाल महाराज जी की पुण्यतिथि जयंती पर्व पर इतना कहूँगा कि देश में जैसे देश को देवभूमि कहते हैं, पवित्र भूमि कहते हैं, इसका पवित्र बनाए रखने के लिए ही देश में अनेक संतों ने जन्म लिया है। इसे संत भूमि भी कहा जाता है। ऐसे संतों में कई संत होने के बावजूद भी श्री संत सेवालाल महाराज जी का भी नाम इसमें आगे इसलिए आएगा कि संतों ने देश की धार्मिकता को, अध्यात्म को, धर्म ग्रंथों का महत्व समझकर अपने समाज को समझाया, बताया, विचार रखे। साथ में जैसे कि महाराष्ट्र में हम देश के लिए जो गौरव है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए श्री संत रामदास, समर्थ रामदास जी ने मार्गदर्शन किया है और ऐसे संतों ने भी, सेवालाल महाराज जी ने भी यही किया है। देश के संस्कार संस्कृति की उन्होंने संरक्षण देते समय में मुगलों के खिलाफ में भी अपनी आवाज़ चलाई और देश के धर्म ग्रंथों को बचाया, संस्कृति को बचाया है। ये देश की राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है। बाहरी लोगों ने आकर देश के मूल धर्मों को बदलने का भी प्रयास किया था, उसे रोकने के लिए भी श्री संत सेवालाल महाराज जी ने बहुत बड़ा योगदान देने के इतिहास का पन्ना है। ये इतिहास को हम स्वर्णिम इतिहास कह सकते हैं। आज जो देश हमारा चल रहा है, जो देश में संस्कृति है, जो अनादिकाल से लोगों को मजाक लगती थी, वृक्ष पूजा क्या होती है, गौ पूजा क्या होती है, पहाड़ों की पूजा क्यों होती है, जल पूजा क्यों होती है, लोगों को अंधश्रद्धा लगती थी, लेकिन ये हकीकत में दुनिया ने ये बात को माना है कि अभी ये ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, पीने के पानी की कमी दिखती है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और जो गौ माता है, गौ माता की जो पूजा हम करते थे गौमूत्र से लेके, ये सारी बातें आज के युग में ये दुनिया ने, विज्ञान ने माना है। ये हमारा देश जिस धर्म पे हम जीते थे, हिंदू धर्म पर, ये धर्म में बहुत अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों को बचाने के लिए संतों ने काम किया। उसमें जो संतों के नाम आएंगे उसमें संत श्री सेवालाल महाराज जी का नाम लेना हमारा राष्ट्र धर्म बन गया है। इन्होंने गौ माता की भी पूजा की, इन्होंने मुगलों के साथ में भी लड़ने के लिए आगे पीछे नहीं देखा, विचारों से हाथ में हथियार नहीं लिए, लेकिन विचार तो दिए। अहिंसा के साथ में लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है, खून खराबा नहीं होने दिया। ऐसे संत की आज यहाँ पर हम जयंती मना रहे हैं। मैं आज यहाँ पर हमारे जो भी हमारे बंजारा भाई हैं जो यहाँ तेलंगाना में रहते हैं, इस संत महंत का जन्म जो हुआ था पहले आंध्र प्रदेश में, जिसको हम उल्लेख करते हैं, इसी स्टेट में उनका जन्म हुआ है।
ऐसे महान संत के इस राज्य में, जो तेलंगाना पहले आंध्रा में था, अब आंध्रा तेलंगाना एक ही था, तो ऐसे स्टेट के हम लोग, आप लोग, हम लोग हैं। इसलिए आज का पर्व यहाँ मनाना ये न्यायचित है, ये मनाना ही चाहिए था। आज हमारे महाराष्ट्र में आज इस वर्ष से हमने श्री संत सेवालाल जयंती का पर्व राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है, सरकारी स्तर पर किया जा रहा है, आज पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और मैं, मुझे बड़ा खुशी हो रही है बात के कि मैं आज यहाँ आया हूँ, तो मुझे वक्त पर डॉक्टर लक्ष्मण जी ने कहा कि ये प्रोग्राम में आप भी आके जाना, मैं आया हूँ आपका ये संत जयंती के पर्व पर, मैं आप लोगों के भी दर्शन ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। कल मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ अभी, तो मैं जा रहा हूँ बीड़ जिले में गेवराई में, वहाँ पे कम से कम 20,000 लोग रहेंगे, संत सेवालाल जयंती का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे। स्टेट के हमारे मिनिस्टर भी आ रही है, हमारे गोपीनाथ मुंडे जी की जो बेटी है वो भी वहाँ आ रही है, पंकजा मुंडे आ रही है, और भी दो चार मिनिस्टर आ रहे हैं, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। कल भी वहाँ एक प्रोग्राम होगा, 24 तारीख को मेरे ही ज़िले में एक पहाड़ पर संत सेवालाल जी का एक बड़ा स्टैचू बनाया, उसका भी अनावरण हम करने जा रहे हैं। ये हमारे, अभी मैं जाते समय में रामनवमी के दिन आपने श्री संत सेवालाल जी के शिष्यों में से हमारे रामराव महाराज जी जो पोहरा देवी में हैं, वहाँ पे हम हर साल जाते हैं, वहाँ भी हम जाने वाले हैं। पिछले साल CM साहब आए थे, इस साल हमारा कोशिश रहेगा कि इस साल नहीं तो अगले साल वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आने के लिए उन्होंने कहा है। इसलिए ये जो संतों की जो वाणी है, संतों के विचार जो होते हैं, इस पर देश चलता है, समाज चलता है। और ये लोक शिक्षण है, ये कोई स्कूल का शिक्षण नहीं होता, एजुकेशन। कोई गांव में जा रहे, संत प्रवचन कर रहे, विचार रख रहे, कीर्तन कर रहे, ये बिना सरकार के कुछ मुआवजा लिए, ये जो लोक शिक्षण होता है सामान्य नागरिकों को, जो संस्कार होते हैं, इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। उस जमाने में ये पैदल घूमकर काम किया करते थे, ऐसे संतों का देश है ये। इसलिए बहुत अच्छे पर्व में हम उपस्थित हैं। इस आयोजन के लिए मैं हमारे भिकूलाल जी को, नहीं, नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। आपके सब साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बधाई देता हूँ, आपने अच्छा कार्यक्रम किया है और आप आए, आपको सबको बधाई देते हुए इस पर्व के लिए मैं आगे भी ये प्रोग्राम चलता रहे। और आगे सरकार से भी यहाँ आप विनती कर सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में हो सकता है जयंती पर्व मनाया जा रहा है, राष्ट्र शासन स्तर पर हो रहा है, सभी कार्यालय में फोटो लगे, आज सभी कार्यालय में उनके आज फोटो को माल्या चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। तो ये कार्यक्रम इस भूमि में जिनका जन्म हुआ है उस भूमि में क्यों नहीं होगा, यहाँ भी होना चाहिए, ये आप लोग मांग कीजिए। मैं इतना कहता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद।